वफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है कि तूफान का खतरा टल गया लेकिन समंदर बिखरा हुआ है। माहिगीरों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। पीडीएमए और स्पार्को से मुशावरत कर रहे हैं कि माहिगीरों को वापस उनके घरों में कब तक मुंतकिल किया जा सकता है। बारिशों के हवाले से हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। शहरी रहमान समा से खसूसी गुफ्तगू कर रही थी, आपको सुनवाते हैं। देखिए अभी साइक्लोन रात भर इसने मशरिक टर्न करके अपना लैंडफॉल खत्म किया है और खत्म हो रहा है इंडियन गुजरात में। जैसे आप सबने देखा होगा काफी तेजी और शिद्दत से, तो अल्लाह की फजल से बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका लैंडफॉल नहीं हुआ जो कल सुबह नजर आ रहा था इसका इसका रास्ता सिटी बंदर की तरफ। लेकिन उन साहली इलाकों में पानी बहुत आ चुका है, बहुत सारे घरों में घुस चुका है। उन सारे लोगों की नकल मकानी पहले ही हो चुकी थी। पीडीएमए सिंध और सुपारको और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से पूछेंगे कि जी क्या मंसूबा बंदी है इनको वापस भेजने की। प्रिडिक्शन दिया हुआ था कि इन इलाकों में तेज बारिश होगी। मुकामी इलाके और सिंध हुकूमतें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी अपनी जो क्लीनिंग होती है स्टॉर्म ड्रेन्स वगैरह और जो भी ड्रेनेज का सिस्टम है ये उसको मेंटेन रखें और लोगों को बिल बोर्ड के हवाले से वगैरह इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो हैं उनका उनका काम देख लें कि वो कोई खतरे का बायस ना बन सकें।